कोची पोर्ट पर हिरासत में लिए गए रूसी जहाज को केरल हाईकोर्ट ने छोड़ने का दिया आदेश। कतर में बंदूकधारियों ने 29 कुत्तों की गोली मारकर हत्या की, कई को किया घायल। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड 19 के 21,566 नए केस, 45 लोगों की मौत। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर 24 दिन बाद जेल से हुए रिहा। त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा हुए कोविड 19 से संक्रमित। आज ईडी के सामने पेश होगी सोनिया गांधी, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। ईडी ने संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया समन किया जारी, समन में 27 जुलाई को तलब किया। पहले पायलट विहीन मनुष्य वाहक ड्रोन वरुणा का सरकार ने जारी किया वीडियो। प्रियंका गांधी बोली, पीएम मोदी खर्चा बढ़ा रहे हैं और संसद में चर्चा से कतरा रहे हैं। ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा को मिली क्लीन चिट। हरियाणा में पुलिस के DSP को रौंदने वाले ट्रक ड्राइवर को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। मोहम्मद जुबेर को अंतरिम जमानत मिलने पर स्वराज भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा शुक्रिया। बिहार में पेशी के दौरान कैदी ने जज को दिखाई जेल की रोटियां, बोला इसे जानवर भी नहीं खाएगा। कर्नाटक के टोल प्लाजा पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार में आ रही एम्बुलेंस, वीडियो आया सामने। यूपी में पंप में घुसी अनियंत्रित रोडवेज बस, पेट्रोल पिकअप को मारी टक्कर, वीडियो आया सामने। पहली बार योगासन और मलखंब भी राष्ट्रीय खेल में होंगे शामिल। मथुरा में पूर्व परियोजना अधिकारी डूडा रिश्वत कांड में गिरफ्तार, भेजे जेल।